कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो किया। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों घोटालों भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच सीबीआई और ईडी से नहीं करवाते हैं। दरअसल ये सवाल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो को लेकर के था। पहली बार मैंने देखा इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है, उसके बेटे का आपने वीडियो देखा। वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे, मध्य प्रदेश कि जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा, आपके जेब का पैसा है। और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहां के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं, पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट्स बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के नेता कहते थे बीजेपी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें हराया, हिमाचल में हराया, अब मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों को लेकर के हम हराने जा रहे हैं। यहाँ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महाकाल कॉरिडोर, मिड डे मील, व्यापम घोटाला किया, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचा, 40 लोग मर गए, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, पटवारी घोटाला किया, यहाँ एमबीबीएस की सीट बिकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी शिवराज सरकार की कोई जाँच नहीं करते हैं। कोरोना में मोदी कहते थे कि टॉर्च जलाओ, थाली बचाओ तो कोरोना भाग जाएगा। प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं मिलने से मौत हो गई। मोदी ने खाते में 15 लाख डालने का झूठ बोला, नोटबंदी कर काला धन खत्म करने का झूठ बोला, जनता से मोदी ने झूठे वादे किए, कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती। इसलिए इस बार कांग्रेस प्रचंड वोटों के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है। वीडियो डेस्क, कमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।